हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य स्वास्थ्य ने निकाली है असिस्टेंट रेडियोग्राफर सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2018 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि है आपके 1257 पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो क्या है इसकी फुल डिटेल और क्या है इस नोटिफिकेशन में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, राज्य स्वास्थ्य की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के लिए दो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो हम पहले बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया के 1157 पदों के लिए, और जो बाकी के पद बचते हैं वो हैं आपके टीएसपी एरिया के लिए। डिटेल सारी सेम है कि 29/5/2018 से 28/6/2018 के बीच में आप इस ऑनलाइन आवेदन को कर पाएंगे। यहां पर आपके वर्गवार जो है इसको पदों को बांटा गया है, जिसमें आपके पुरुष महिला और आपके एससी एसटी जनरल ओबीसी में इसको बांटा गया है। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है क्रीमी लेयर के और जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ₹500 है, अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी एससी एसटी शहरी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ₹300 है, विधवा या तलाकशुदा के लिए ₹250 जो है इसमें फीस रखी गई है। इसके अलावा जो ₹50 आपको ई मित्र चार्ज या जन सुविधा केंद्र जो है अलग से आपको देना होगा। बात करते हैं वेतनमान की, तो इसमें जो आपका लेवल 8 का जो पे मैट्रिक्स है वो रहेगा, तो आपका जो दे नियत पारिश्रमिक है वो ₹18,500 इसके लिए आपको रहने वाला है। 2 वर्ष का जो है आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो ये पद है आपका असिस्टेंट रेडियोग्राफर का, जिसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th पास होना चाहिए किसी भी बायोलॉजी में या फिर मैथमेटिक्स में आपने कर रखी हो। साथ में इसके आपके पास रेडियोग्राफी का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आयु की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ये जो एज है आपकी वो 1/1/2019 को काउंट होती है। फ्रेंड्स, 23/9/2008 के बाद जो है कोई भी भर्ती इसमें नहीं निकली है, इसलिए अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें आपको 1 वर्ष की जो है और छूट दे दी जाती है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो छूट होती है वो तो इसमें आपको मिलने वाली ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अनुभव के आधार पर बोनस अंक भी मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पर ये दी गई सोसाइटीज है और दी गए जो डिटेल्स दे रखी हैं पोस्ट वाइज, वो अगर इनमें से किसी के पास भी आपके पास यदि एक कोई सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का, तो आपको इसमें बोनस अंक भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसका जो प्रारूप है आपको इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में अनुभव का जो कॉलम है उसमें यदि प्रविष्टि नहीं करते हैं तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे, विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साथ में आपको यदि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड नहीं करते हैं तो ऑफलाइन कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जो सत्यापन है वो यहाँ पर विधि दे रखी है कि कौन इसको सत्यापित कर सकता है, तो ये आप डिटेल पूरी इसमें पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, ये अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है कि आपको कहाँ पर क्या करना है, हस्ताक्षर मोहर भी दे रखी है कि किनके थ्रू आप जो है आप हस्ताक्षर और मोहर लगवा सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि अनुभव है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, अनुभव होने पर आपको जो है एक्स्ट्रा बोनस मार्क इसमें जो है दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी असिस्टेंट रेडियोग्राफर से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ऐसे ही और वीडियो आप देख सकते हैं www.youtube.com/A24knowledge पे। एंड लास्ट, थैंक्स for watching.